है गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग हमें शुरुआत से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि हम पहले इसी सेटअप के ऊपर बैठ के वीडियोस बनाया करते थे, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस सेटअप को मुझे चेंज करना पड़ गया था, जिसके बाद मैं फेस कैम वीडियोस बनाने से भी कासर रहा था, क्योंकि मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना पाता था। बट इंशाल्लाह आज से आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेगी। और सेकंड चीज़, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपने जो है वो इग्नोर करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भर भर के ट्रैफिक किस तरह से लेके जा सकते हैं, इस ट्रैफिक को आप जो है वो एडसेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है गाइस। देखो, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने फायदे के लिए भी बना रहा हूँ, आपके फायदे के लिए भी बना रहा हूँ। अगर मैं ये झूठ बोल दूँ कि नहीं भाई मैं आपके लिए बन रहा, क्यों भाई, मैंने मोनिटाइज किया हुआ है चैनल को, मैं इससे एड रेवेन्यू से जो है वो अर्निंग कर रहा हूँ। बट अगर आपके लिए बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं आपको भी लॉस में नहीं डाल सकता, आपके साथ भी धोखा नहीं कर सकता। सो इस वीडियो को आपने पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं कि आप इसको एडसेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, किस तरह से इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मिस्टर श्याम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, ये वेबसाइट आपको जो सॉफ्टवेयर दे रही है उसका डेमो भी दे रही है, लेकिन अदर वेबसाइट्स के ऊपर आपको यही सॉफ्टवेयर $50 के अंदर मिलता है, उससे पहले आप इसको डाउनलोड ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसका एक डेमो वर्जन देता हूँ, बाद में अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन डेमो में भी आप अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, इसकी सारी चीज़ें आपने जो है वो पढ़ लेनी है, देख लेनी है। और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपको इसको प्राइसिंग देखने को मिलेगी, जो इसकी जो है वो चेक ओवर प्राइसिंग का जो है यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया हुआ है। इसमें आपको एक डेमो मिल रहा है, एक $39 का मिल रहा है, एक $50 का मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जब ये $50 का मिल रहा है तो इसमें आपको ज़्यादा फीचर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, नो लिमिट पर ऑन पेज और ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर मिलने वाले हैं $50 के अंदर। अब यहाँ पे आपने सिंपली डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करना है, इसमें आपको ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलने वाली हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें ऑफ रहने वाली हैं। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से जो है वो आपके सामने आ जाता है, ठीक है। मैं इसको जब ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे आपने अपना लिंक देना है, उसके बाद ऐड कर देना, तो लिंक आपका जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसमें आप ऑर्गेनिक और ये जो इसने ऊपर फीचर दिए हुए हैं ये सारे फीचर ये आप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ये आप पैड वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। SEO कंपेन भी आपको डेमो वर्जन में जो है वो लॉग्ड मिलती है, तो इसको भी आप पैड वर्जन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जियो लोकेशन के अंदर आप जिस कंट्री को जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं UK को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है वो मैं UK सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर उसकी टेक्स्ट फाइल है, URL है, तो वो भी दे सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जो है वो प्रॉक्सी से जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कंट्री की प्रॉक्सी से जो है वो लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे जब आप प्रॉक्सी डाल देंगे तो फिर आप जो है वो URL चेक वगैरह भी कर सकते हैं। अभी मैं कोई भी जो है यहाँ पे एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है वो मेरे सामने लॉग्ड आ रहा है, मैं इसको नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, क्रोम से ले जाना चाहते हैं, डक से लेके जाना चाहते हैं, ऑपरा से लेके जाना चाहते हैं, UC ब्राउज़र से लेके जाना चाहते हैं, एनीवन किसी भी ट्रैफिक सोर्स को, किसी भी ब्राउज़र सोर्स को आप जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इवन उनका वर्जन, विंडो वर्जन, एवरीथिंग यहाँ पे जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ताकि जो YouTube कह रहा हूँ, जो एडसेंस है उनको जो है ये बिल्कुल भी पता ना चले कि ट्रैफिक आपकी कहाँ से आ रही है। यहाँ पे आप अलग-अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक इतनी रेजोल्यूशन का सिलेक्ट कर लिया, एक इतनी का, तो फिर गूगल भी दंग रह जाता है, वो सोच में पड़ जाता है। इसके बाद शेड्यूलर के अंदर यहाँ पे आप ये भी लॉग्ड मिल रहा है, इसके अंदर भी आप जो है वो डेली कितनी ट्रैफिक लाना चाहते हैं, कितने घंटे लगाना चाहते हैं, ये सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, सेटिंग के अंदर आपको इंजन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कितनी ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, कितना ड्यूरेशन आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आके रुके, और सारा कुछ यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम कितने क्लिक्स जाने चाहिए, कितने पेज व्यूज जाने चाहिए, कितने पेज के किस पेज के ऊपर कितने विजिटर जाने चाहिए, कितने इंप्रेशन जाने चाहिए, ये सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो यहाँ से विजिटर जाए वो बिल्कुल 100% ह्यूमन लाइक जाए, उसमें कोई भी बॉटिक वाला सीन ना हो। रन के ऑप्शन के अंदर आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जितने भी आपने चीज़ें डाली होंगी यहाँ पे आपको रन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। सिंपली आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने SEO जनरेट ट्रैफिक सेटिंग की होगी तो यहाँ पे आपने रेड के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज SEO कंपेन के लिए आपने ब्लू के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो ट्रैफिक है वो जाना स्टार्ट हो जाएगी।
अब मेन चीज के इस ट्रैफिक को हम एडसेंस एड लाइव के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इस पार्ट को, इस स्टेप को आपने सुनना है, गौर से सुनना है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मिनिमम 2000 की ट्रैफिक है, देन आप जो है वो जा सकते हैं इस तरफ, बट आपको PIA की प्रॉक्सी यूज करनी है। 2000 ट्रैफिक, PIA की प्रॉक्सी जो है वो थोड़ी सी महंगी होती है। बहुत सारे लोग चीप वाली यूज कर लेते हैं, फिर एड लिमिट लग जाती है, हमें आके गालियां दे रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने PIA की प्रॉक्सी यूज करनी है। सेकंड चीज, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसके ऊपर जो है वो प्रॉक्सी से कोई भी यहाँ पे जो है वो लेके जाएं अपनी एड्स लाइव वेबसाइट के ऊपर। हाँ, इस ट्रैफिक को आप एडसेंस अप्रूवल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर अदर नेटवर्क के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया, आप देख सकते हैं एस्टीरा हो गया, मॉन्टेज हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव आजकल निकले हुए एडसेंस के जो आपको एड्स प्रोवाइड करते हैं, पॉपअप एड्स हो गया और बहुत सारे, नाम लेने बैठ जाए तो वीडियो के घंटे की हो जाएगी। उनको आप देख सकते हैं, उनके ऊपर इस ट्रैफिक को लेके जा सकते हैं, मे बी उसके ऊपर ये वर्क कर जाए। तो कुछ इस तरह से इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं एड्स लाइव ट्रैफिक के ऊपर। विदाउट PIA प्रॉक्सी आपने नहीं यूज़ करना, और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मिनिमम 2000 ट्रैफिक नहीं है तो फिर आपने यूज़ नहीं करना। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लो वैल्यू, प्राइवेसी पॉलिसी का इशू है, एनीवन कोई भी है, देन आप इस तरफ जा सकते हैं कि यहाँ से आप ट्रैफिक दे दें और फिर आपका जो है वो हो सकता है हट जाए। मेरा जो मिनिमम क्या मैक्सिमम जो एरर आता है वेबसाइट्स अप्रूवल के टाइम लो वैल्यू का, वो ट्रैफिक का आता है। मैं ट्रैफिक देता हूँ, सेट हो जाता है, अदर सोर्स से देता हूँ, मैं ज़रूरी नहीं सॉफ्टवेयर से देता हूँ, इसको तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं अदर सोर्स से जैसे एड्स हो गए, फेसबुक एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, तो इन सभी की तरफ जाता हूँ ज़्यादातर मैं। बट अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो देन आप फ्री वाला डेमो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद ही होगी। अगर पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सलाम एक बार।